आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ की बातचीत, दिए डिजिटल सर्टिफिकेट। लखनऊ में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निभाई बड़ी भूमिका। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, संसद में 875 कर्मचारी हो चुके हैं संक्रमित। साउथ अफ्रीका से मिली हार पर बोले कोच राहुल द्रविड़, आंख खोलने वाली रही सीरीज। महानगरों के बाद अब छोटे शहर और गांव में फैलेगी कोरोना महामारी की तीसरी लहर, विशेषज्ञों ने किया आगाह। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। खबर संभल से है, जहां पर चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के से टिकट दिए जाने के आहद सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी फूट फूट कर रोए। टिकट काटे जाने पर सपा नेता सतीश प्रेमी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अय्याशी के साधन और मोटी रकम नहीं जुटा पाने की वजह से टिकट काट दिया गया। सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए सपा नेता ने अपना दर्द बयान किया। करीब 4 महीने पहले महिला नेत्री कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई। ये मामला चंदौसी विधानसभा क्षेत्र का है। आदरणीय क्षेत्रीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि समाजवादी पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के एक बार सेवा कर सकूं, आपका बेटा बनके, दोस्त बनके, साथी बनके। लेकिन जिस पार्टी में मैं ईमानदारी से रहा, वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर ना तो पैसा कमाया ना अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था, लेकिन मैं आज फेल हो गया। मैंने कभी जाति और धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं आपके दुख सुख पर साथ हो सकूं, आपको अपने दुख सुख का साथी बना सकूं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी में रहा, वहां पैसे की कदर थी, वहां संसाधनों की, ऐसी संसाधनों की कदर थी, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये अपनी किस्मत को कोसते हुए कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, ना मां ना बाप, लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं, लेकिन आप ये विश्वास रखना कि आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सतीश प्रेमी आपके साथ है, कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। मुझे माफ कर देना कि देवरिया में पुलिस अधीक्षक श्रीपत मिश्र के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में शांति और कानून व्यवस्था कायम करने और जनता के बीच मतदान करने का विश्वास कायम करने के लिए कई क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल और पुलिस बल के तरफ से संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान जनता से अपील की गई, अगर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो फौरन पुलिस को सूचना दी जाए। इस दौरान पुलिस टीम और अर्धसैनिक बल भारी संख्या में जवान सम्मिलित रहे। बिजनौर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे से युवक बाइक सहित ट्रक के नीचे फंस गया, जिसके बाद लोगों ने युवक को ट्रक के नीचे से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के पैर में चोट लगी हुई है। यह हादसा बैराज रोड पर मित्तल पेट्रोल पंप के सामने हुआ था।
मतलब ट्रैक्टर से आ रहा था, ये बाइक वाले से जा रहा था, मतलब ये ट्रक में मतलब यहाँ नीचे मतलब फंस गया, ट्रक के नीचे फंस गया, मतलब इसके पैर में चोट लगी है। कितने लोग थे? खबर देवरिया से है, जहां पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त योगेंद्र यादव 25,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नवीन चौधरी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में मौजूद थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को माहूपाटन के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। थाना बरियारपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत अभियोग में वांछित 25,000 का इनामी अभियुक्त योगेंद्र सनाव झामलाल को थाना गुगंदू पुलिस द्वारा महुआ पाटन चौराहा से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई है। दरअसल युवक मानसिक रूप से बीमार था, रविवार को गांव के बाहर खेत की तरफ शौच के लिए गया था और अचानक कुएं में गिर गया। परिजन उसे रात में खोज रहे थे। कुएं में युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस में सेल्फी लेने के चलते ट्रेन के चपेट में आकर दो युवकों की मौत हो गई है। दोनों मृतक युवकों की पहचान हो गई है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल यह हादसा रेलवे लाइन पर सेल्फी लेते समय हुआ है। ट्रैक के बीच में सेल्फी लेते समय दोनों को ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सेल्फी ले रहे थे यहाँ पर, तो ये सेल्फी के चक्कर में इन्होंने सुनाई नहीं दिया, सोचे कट गए। किस ट्रेन से कटी है? इसी अभी पैसेंजर आती है, ये हाथस से पैसेंजर आती है एक बजे करीब। कितने लोग कटे हैं उसमें? दो बंदे। दोनों की क्या हालत है? खत्म हो चुके दोनों। कितने बड़े होंगे लगभग? लगभग नौजवान ही है, ऐसे 20-25 साल की उम्र है। ये हाईवे के नीचे हुआ है। अभी तो कुछ मालूम बढ़ा नहीं। अभी थाना हाथरस गेट पर सूचना प्राप्त होती है कि हतीसा पुल के पास ट्रेन से कटकर दो युवकों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना हाथरस गेट पुलिस मौके पर पहुंचती है। शवों के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि दोनों युवक रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। मृतक के परिजनों को सूचित कर मौके पर बुला लिया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली इलाके के महुआबा शिवनाथ सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में टेट परीक्षा प्रवेश परीक्षा प्रथम पाली में सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कॉलेज के बाहर प्रवेश पत्र दिखाते हुए कॉलेज पर समय से पहले गेट बंद कर देने का आरोप लगाया है। टाइम से पहले गेट बंद कर दिया गया, उसके 8 मिनट पहले गेट बंद कर दिया गया। हम लोग टाइम पे आए, रास्ते में जाम चारों तरफ लगा है, इधर उधर पूरे कचरे हैं, कैसे कोई आए? और स्कूल का नाम पहले तो सेंटर सही नहीं डाला गया। हम लोग इधर उधर भटक भटक के सेंटर कॉलेज खोज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग 9:30 यहाँ पे गेट पे भी लिखा हुआ एंट्री टाइम, हम लोग के प्रवेश पत्र में भी है 9:30 हम लोग को एंट्री करना है। मैं 9:26 पे यहाँ पे आ गई थी, लेकिन उससे 10 मिनट पहले ये सब गेट क्लोज कर दिए थे, इस वजह से हम लोग बाहर ही रह गए। हम लोग का एग्जाम भी छूट गया सर। वहाँ पे जो गवर्नमेंट के एसओसी थे, उन लोग से हम लोग ने बात किया तो बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का वो है, हम लोग अब नहीं इसको वो कर सकते। हम बड़े अपने अधिकारी से बात कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। 9:28 पे ये गेट बंद हो गया है, इस वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया है, इस वजह से बाहर खड़े, और हम भी नहीं खड़े हैं, हमारे साथ 100 छात्र खड़े हैं, 100 लोग हैं। और सर बगल वाले स्कूलों में 9:40 तक एंट्री हुई। खबर कौशाम्बी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुनियोजित प्लान करके पति के लापता होने के मामले में खुद जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य ने सफाई देते हुए डिप्टी सीएम को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वो खुद हमारे घर आए थे और हमारे परिवार को मदद का भरोसा दिया था। घर से वापस जाते वक्त नारेबाजी और हंगामे को जिला पंचायत सदस्य ने विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया और साथ ही हंगामा और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने हमसे बात भी की है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि वो मेरे घर आए हैं,
मेरा वो काम करेंगे, वो ढूंढ के लाएंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन जनता क्या कर रही है ये मुझे नहीं पता। जनता क्यों ऐसा कर रही है ये मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, जो आके यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे केस की। चुनाव के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस मुस्तैद हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर वाहनों की सघन जांच की है। इस दौरान सत्ता पक्ष के एक नेता की गाड़ी रोककर पुलिस ने काली पन्नी निकलवाई। वहीं विपक्ष के एक संभावित उम्मीदवार की गाड़ी भी रोकी गई। वहीं एक वाहन चेकिंग के दौरान शराब की बोतल मिली। हालांकि पूछताछ में सामने आया कि वाहन स्वामी एक बोतल और कुछ खाली ग्लास अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।